तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जन आवाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जन आवाए। धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लै छड़ाए। तन तन गुरु जिन बिठा तिना लय छड़ाए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ा। धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोवे पाए। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक तो मैं पाए। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। गुरु दासरियां वल्लों समूह जथियां वल्लों इस स्थान ते समूह प्रबंधक वीरां नूं जिन्नी भी संगत इस स्थान नाल जुड़ी है सारिआं नूं दासरियां वल्लों धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे
प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां फुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दास हाथ जोड़ के आप समूह संगतां नूं सतगुरु जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां दिंदा खां। आप जी ने प्रवान करनियां, पिछले तीन दिनों तो जिथे बेअंत संगतां ने गुरु घर विच पहुँच के जो पुरातन मर्यादा अनुसार श्री अखंड पाठ साहब लड़ीवार सरूप तो समेत जपजी साहब ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਧੂਪੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ इस प्रोग्राम का, इन्हों समागम का लाहा प्राप्त किया है, क्योंकि बेअंत संगत जिड़िया जिस तरह अगे भी दसीद कि गुरु घर में भावना बहुत वड्डी चीज है। तो जिहड़ा भावना है तुसी वेखो परिवार घर, क्योंकि तिने दिन लाइव खंड पाठ साहब चलता है, ऐसे परिवार भी फोन करके अपनी अरदास लिखाते ने जिन्होंने घर एक थां सारिया ने बैठन वास्ते सुंदर विछाई करके देग भी बनाउंदे ने, आरंभता दी मध दी भोग ते घर जोत भी जगाउंदे ने, ते थले पुंजे बैठ के विछाई करके तिने दिन परिवार घरां विच बैठ के भी बाणी सुनदे ने। ये भावना है। तो सतगुरु के चरणों में इत्थे भी उन्हां परिवारां दी, उन्हां संगतां दी अरदास कीती जांदी है, क्योंकि गुरु साहब का प्रकाश पुरब याद रखियो, आपन बापै नाही किसी को भावन को हर राजा। जेड़ा गुरु है, गुरु केवल भावना नू वेखदे ने, किसे दी भावना की है, किसे दी गुरु प्रति श्रद्धा की है। जे भावना तो खीणा कोई सतगुरु दे कोल बैठ के भी कुछ करे, तो भावना तो खीणे नू शायद गुरु उथे गिणती विच ना गिणन। एक भावना नाल दूर बैठा गुरु नूं आराधदा है, गुरु ओदी हाजरी ओदा आराध्या अपने खजाने च प्रवान करदे ने। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब, जिवें सतगुरु जी ने सानू उपदेश दिते, किरत करो नाम जपो वंड छको। सतगुरु जी जिन्हां ने आप रहमत करके सानू नाम सिमरन आराधन वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू कहा, इथों तक हजूर ने आख्या आखा जीवा विसरै मर जाओ, कहन लगे ये नाम ही जीवन है, जे नाम नहीं तो समझ लो बंदा ज्यौदा भी मृतक दे समान। सो अज सतगुरु का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। मैं बेनती करांगा, जिस तरह आपां नूं पता है कि भावें सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच जिथे वड्डे पाठी सिंह सेवा निभाउंदे ने, उत्थे जपजी साहब दीआं रौलां ते भी सिंह सेवा करदे ने, धूप ते भी सिंह सेवा करदे ने, चौर ते भी सेवा करदे ने, इस तरह पहरेदार ते भी सिंह सेवा करदे ने। सो हमेशा दी तरह जिवें सारे सिंघां दे जिवें हुक्म हुंदा कि आपां जो सन्मान है वह जिन्हां ने सतगुरु दी ताबिया बैठ के बाणी सुनाई हुंदी है, उन्हां दा आपां जिहड़ा समुच्चा सन्मान है वह हमेशा करदे हां। सतगुरु कृपा करन, पर मैं फिर भी ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਦਾਸ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
जिन्हां ने इस महान यग विच सेवा करके आप जी ने संगत दियां और सतगुरु दियां खुशियां प्राप्त कीतियां। सो मैं बेनती करांगा साडे बहुत सत्कारयोग भाई हरदीप सिंह जी जिहड़े कि हमेशा भाई हरदीप सिंह जी जो बाणी सुनाउण दी भी और बाणी सिखाउण दी भी सेवा करदे ने, बेअंत विद्यार्थियों नूं संथिया रूप विच इह सेवा कर रहे ने, उन्हां नूं भी बेनती है। भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी जो गुरद्वारा साहब के हैड ग्रंथी ने, भाई बलजीत सिंह जी जो उचेचे तौर पर कैलगरी तो आउंदे ने, भाई कुलदीप सिंह जी उन्होंने भी हाजरी भरी, भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी उन्होंने भी बेनती है कि आप जी स्टेज पर आने की कृपालता करो, भाई साहब भाई मलकीत सिंह जी जो गुरद्वारा साहब के हजूरी रागी भी ने, उन्होंने भी सेवा निभाई, और भाई कंवर सिंह जी उन्होंने सेवा की। मैं सारे सिंघां नूं बेनती करदा कि आप जी जो गुरु घर वालों सिरों पाओ की बख्शिश है वो लैण की कृपालता करो जी। बोले सो निहाल। भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी का सन्मान किया गया है, भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी उन्होंने भी बेनती है कि आप जी सिरों पाओ की बख्शिश प्राप्त करो जी। भाई बलजीत सिंह जी जो कैलगरी तो चेचे तौर पर हर वारी आते ने, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वह इस बारी भी कैलगरी तो चेचे तौर पर आप जी के दर्शन करने आए, भावें कि ऐतकी भाई साहब की थोड़ी जी सेहत ढिली हो गई सी, उहदे करके आप जी के दर्शन नहीं कर सके ज्यादा, उन्होंने भी हाजरी है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई कुलदीप सिंह जी आप जी ने भी बेनती है कि आप जी सिरों पाओ की बख्शिश प्राप्त करो। भाई कुलदीप सिंह जी पट्टी उन्होंने बख्शिश दी जा रही है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई हरभजन सिंह जी उन्होंने भी आप जी को सेवा निभाई सेवा की, उन्होंने भी बेनती है कि सिरों पाओ की बख्शिश प्राप्त करो जी। नाल मैं बेनती करांगा भाई मलकीत सिंह जी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। एक गुरद्वारा साहब के हजूरी रागी भी ने, बड़ी सेवा करते ने, उन्होंने भी सेवा भरी हाजरी लवाई। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई कंवर सिंह जी उन्होंने भी बेनती है कि आप जी जो सिरों पाओ की बख्शिश है वह प्राप्त करो जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। होर किहड़े सिंह ने? ठीक है, बाबा गुरविंदर सिंह। ठीक ठीक। सो साढ़े सत्कारयोग शहीद बाबा गुरबचन सिंह जी माणोचाल तिना दे वड्डे प्रियंत जिन्हां ने नाल सिरों पाओ दी सिंघां नूं देण दी भी सेवा निभाई है, उन्हां दा भी सन्मान जिहड़ा है वह किया जा रहा है जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई बलजिंदर सिंह जी उन्होंने भी बेनती है कि जिवें आपां सारे सेवादारां दा जो सन्मान है हमेशा उन्होंने दिंदे आ इकट्ठा, क्योंकि मैं फिर एक बारी बेनती करदे आ कि सारे सिंघां ने सेवा निभाई, किसी ने धूफ ते चौर साहब ते जपजी साहब की सेवा ते पहरे ते जां थल्ले लंगर वरताउण विच आपां जे सारिआं दा नाम लईए ते लिस्ट लंबी हुंदी है, क्योंकि सन्मान जिहड़ा है उहनां दा सब दा असीं इत्थे धन्नवाद करदे हां, क्योंकि सब की हाजरी सच्चे पातशाह आप जाणदे ने, क्योंकि जिन्नी जिन्नी भी किसी ने सेवा की। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो सब की हाजरी सच्चे पातशाह प्रवान करन। और एक विशेष बेनती है कि अज दुपहरे ढाई बजे जिस तरह आपां गुरु नानक साहब महाराज जी के गुरपुरब से सारी संगत रल के श्री जपजी साहब का पाठ आपां संगती रूप में करते होंगे, ठीक ढाई बजे आप जी ने इत्थे ही लंगर पानी छक के मेन हाल में सजन की कृपालता करनी है। आपां सारिआं ने सच्चे पातशाह दे चरणां विच हाजरी लवाउण वास्ते ठीक ढाई बजे आपां श्री जपजी साहब का पाठ सारी संगत ने रल के करना है। जिस तरह आप जी नूं पता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गुरपुरब से आपां जाप साहब का पाठ सारे जिहड़ा है वह संगती रूप में करीदा।
सो सारी संगत ने कृपा करनी है 2:30 बजे श्री जपजी साहब के पाठ में हाजरी लवाउण की कृपालता करनी है। हुण गुरु घर के सारे ही हजूरी कीर्तनीए भाई साहब भाई मलकीत सिंह जी, भाई साहब भाई जगरूप सिंह जी, भाई साहब भाई सिमरन सिंह जी, भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी और उन्हां दे साथी, वो आप जी नूं हुण कीर्तन नाल जोड़नगे। उपरंत भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी रुद्रपुर वाले जो बड़ी सोहनी कथा करते ने, सवेर शाम आप जी के दर्शन करते ने, उन्हां भी हाजरी भरनी है। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी कमल तिन्हां दा ढाडी जथा, उन्हां ने आप जी नूं ढाडी वारां गुर इतिहास नाल जोड़ना है। सो इसे तरह ही सिम यह प्रोग्राम जिहड़ा है वह निरंतर चलेगा। फिर क्योंकि सतगुरु जी 3 दिन तो प्रकाशमान ने, फिर नाल ही दवाना की समाप्ति एक बारी सुख आसन की सेवा होएगी, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे आसन की, उस तो बाद फिर प्रकाश की सेवा होएगी, उपरंत फिर जपजी साहब के पाठ। सारी संगत ने हाजरियां लवाउण की कृपालता करनी। एक बेनती है कि एक होंडा सिविक कार है CW BW973, एक टोयटा दी हाईलैंडर है CDPS 830, ओ गड्डियां दूजियां गड्डियां नूं ब्लॉक कर रही ने, जिन्हां दियां भी ये गड्डियां ने उन्हां नूं बेनती है कि आप जी योग थां ते पार्क करन दी कृपालता करो जी। आओ सारे कीर्तन विच हाजरी लवाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु तिन बेदियन के कुल बिखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दए जाता भय सहाय, सब सिखन को सुख दे जहत भय सहाय, जहत भय सहाय, जहत भय सहाय, आनंद गुणी निदान, आनंद गुणी निदान, तन गुरु गरे बनवाज गरे, बनवाज गरे बनवाज, आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, तीन तन जड़े दी माँ आए सफल से, आए सफल से, तीन तन जड़े दी माँ आए सफल से, आए सफल से, आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से, आप लिए लड़ लाए द
दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से तिन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से दिल मोहब्बत जना सही सचया जिन मन होर मुख हो से काटे कचया दिल मोहब्बत जना सही सचया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरे जिन नाम ते पोए पारतिए तिन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से तिन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से दिन तन आए सफल से आए सफल से परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुमा पैर मू तेरी बन खुदा तेरी बन है खुदा तेरी बन है खुदा तू बख्शंदगी शेख फरीद शेख फरीद खैर दीजै बंदगी रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदा
रंग दीदार के तेरी बने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर रिजय बंदगी तीन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से तीन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से आप लिए लड़ला दर दरवेश से आप लिए लड़ला दर दरवेश से दिन धन जने दी माओ आए सफल से 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहेगुरु कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए अरदास करे लिवलाए सच्चे सुनिया कन दे तीरक देवे सहज सुपाए तीरक देवे सहज सुपाए कल विच प्रगट हुआ गुरमुख कल विच प्रगट हुआ कल विच प्रगट हुआ कल विच प्रगट हुआ गुरमुख कल विच प्रगट हुआ गुरमुख कल विच प्रगट हुआ सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होआ मिटी धुंद जग चानन होआ मिटी धुंद जग चानन होआ
चानण होआ मिटी तुंद जग चानण होआ मिटी तुंद जग चानण होआ मिटी तुंद जग चानण होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ ज्यों कर सूरज निकलिया ज्यों कर सूरज निकलिया ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ तारे छपे अंधेर पलोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ सिंह बुके मिर्गावली सिंह बुके मिर्गावली सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ पन्नी जाए ना तीर तरोआ पन्नी जाए ना तीर जाए ना तीर तरोआ पन्नी जाए ना तीर तरोआ पन्नी जाए ना तीर तरोआ पन्नी जाए ना तीर तरोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ कल विच प्रगट हो कल विच प्रगट हो गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ 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 आसन थापन सोआ पूजा आसन थापन सोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ कल विच प्रगट होआ कल विच प्रगट होआ कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ सिद्ध आसन सब जगत दे सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदम ते देखोआ 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 गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ कल विच प्रगट होआ
ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਤਰਨਾ ਸਾਲ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਤਰਨਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ 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 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਭੁਲਾਂ ਦੀ ਖੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਗਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿੜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾ ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਿਹ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਸੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ
गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना भरिया रे। जिन्हां ने गुरु नानक साहिब महाराज के दर्शन किते, दूसरा जिन्हां ने गुरु नानक साहिब महाराज नूं सुनिया, सतगुरु कहिंदे मालक की कृपा बख्शिश मेहर दा सदका फिर वह जम्मण मरण तो मुक्त हो गए ते उन्हां दी जिंदगी गुरु ने आप तरस करके मेहर करके सफल बना दित्ती। धन गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह जी नूं गुरु अर्जन साहब ने अपने सवैयां विच जिक्र करदिआं शब्द वरत्या भी हे सतगुरु तुसीं तां हनेरे च जगदा होया दीवा हो जिन्हें अंधकार मिटाया है ज्ञान का प्रकाश किया है ते तुहाडे वल्लों किए हुए ज्ञान के प्रकाश सदका लोकां दे अंदर वहमां भरमां ते पखंडकां दा जो हनेरा सी वह हनेरा मिट गया ते सच्चे पातशाह की कृपा नाल चानण हो गया। भाई गुरदास साहब उन्हां अपने शब्दां च कहा सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होवा ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर भलोवा सिंह बुके मिलगावली भन्नी जाए ना तीर तरोवा जिथे बाबा पैर धर पूजा आसन थापन सोवा। धन गुरु नानक साहिब महाराज प्रगट होए ये शब्द बड़ा संखेप स्वरूप विच समझण वाला है भी असल विच रब आप पहला मौजूद सी उसका वजूद सी वो टिकिया होया सी जदों धन गुरु नानक साहिब महाराज स्वरूप विच रब आप प्रगट होया ते संसार विच प्रसिद्धि हो गई श्रेष्ठता आ गई जिक्र होण लगा ते लोग इशारा करके भी कहण लगे जे किसी ने रब नूं तकना है ते गुरु नानक साहिब दी शख्सियत नूं देखो। परमात्मा जी आप प्रगट होए बाणी च शब्द पढ़िया गया आप नारायण कला धार जग मैं परवरे हो। ते एक थोड़ी जी अर्ज करनी चाहना बहुतात वड्डे पद्धर ते कोशिश हो रही है धन गुरु नानक साहिब महाराज नूं कहा जावे भी वह साडे वर्गे आम इंसान सी आम इंसान कह कह के अपने बराबर लिया के खड़ा किया जाए ताकि किरदार ते हजारां सवाल खड़े किए जा सकन। अगर इस दुनिया विच तुसी किसे तो प्रभावित होना चाहते हो ते भावना दी दुनिया कहिंदी है उसे तो प्रभावित होवोगे जिहड़ा तुहाडे तो सुप्रीम ते वड्डा है। सची सिख दी निगाह च गुरु नानक साहिब महाराज जो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने नजरिया दिता है उस मुताबक धन गुरु नानक साहिब रब रूप ने ते असीं रब रूप समझ के परमात्मा समझ के धन गुरु नानक साहिब महाराज की उपासना करनी है उसकी भगती च जुड़ना है। एक बेनती गुरु जोत बारे जदों जदों भी भट्ट साहबाना ने शब्द वरते तो एको गल कही वह प्रतख रब ही प्रगट होया है। जिमें गुरु अर्जन साहब बारे पढ़द धरन गगन नवखंड मैं जोत स्वरूपी रहे हो भर भन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हार। यदा मतलब भट्टा ने इशारा करके कहा दुनिया विच हो सकता है रब का कोई एक आकार ना होवे परमात्मा दे वख वख आकार ने सारी कायनात ही उसका स्वरूप है पर जे किसी ने इशारा करके कहना होवे भी किसनू रब कहा जा सकता है तो गुरु नानक साहब पातशाह दे घर वल इशारा होंदा। इसे करके गुरमत ने जदों गुरबाणी दे राही सानू गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन कराए ते रब स्वरूप दिदारे कराए ऐसा महान दाता जिस बारे शब्द आख्या गया एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदय वसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुरत निवारण शब्द सरे। जो भैड़ी मत दूर करन वाला शब्द का सरोवर है जिस सरोवर विच सिख चुब्बी मारेगा तो वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इतिहास मुताबक सन 1469 राय भोए की तलवंडी नूं भाग लगे माता तृप्ता जी की कुख ते पिता मेहता कल्याण दास जी का घर खुशियां आईया
ते धन गुरु नानक साहिब महाराज ने अवतार धारिया। गुरदेव सच्चे पातशाह नूं सब तो पहला निहारन वाली दौलतां दाई भी गुरदेव साहिब तो संतुष्ट होई ते उहदे अंदर दी भुख मर गई। इतिहास ने लिखिया, मैं तां कल्याण दास आर्थिक पक्षों किसे पासों भी कमजोर नहीं सन, माया दौलत सरमाएदारी दी कोई कमी नहीं। दौलतां दाई घर फेरा मारदी सी ते सोचदी सी वी किते मैते दे घर अंदर पुत्तर दा जन्म होवे ते मेरी गरीबी कटी जाएगी, क्योंकि दिल खोल के मंगांगी। जिद्दण गुरु नानक साहब आए दिदारे कीते, पहली दृष्टि उस औरत ते पई, मुख हासमुख चेहरा खुशी नाल भरिया होया, एक बड़ी लिखत भी प्यारी है जे किते मिले पढ़न वाली। सरदार मनमोहन सिंह मारको जिन्हां गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां हथ लिखत बीड़ां ते बहुत स्टडी कीती, उन्हां एक छोटी जी किताब लिखी, उहदा नाम है हसमुख गुरु नानक। वह सारी गुरु नानक साहिब दी प्रचार फेरी दा जिक्र करदिआं कहिंदे आ, बाबा जिद्दण दुनिया च आया उदण भी हसया, जिथे जिथे गया बाबे दे चेहरे दी मुस्कुराहट बरकरार रही, ते जिस जिस थां ते बाबे बचन बोलिया दुनिया नूं हसण लई मजबूर कीता, खुशी दित्ती दुनिया नूं। सच्ची दौलतां दाई हसमुख चेहरा वेख प्रभावित है। मैं तां कल्याण दास ने कहा, जे पुत घर विच आया सुभाविक है जदों खुशियां आउंदियां ने ते मनुख दा मन छाला मारदा है। पुत घर च आया है दौलतां दस की चाहीदा है, वह हथ जोड़ के कहिंदी, मैं ते आ कल तक सोचदी सी वी बहुत कुछ मंगांगी, पर अज इंज लगदा है चेती कोई नहीं करदा, उहदे पहले दर्शन करके ही मंत्र मुगत हो गई ते अंदर दी भुख ही मर गई। उहने फिर मैता कल्याण दास झोली भरी ते एक शब्द वरत्या जिन्हों जन्म साखी ने कहा सी, वी जा मेरी ये भैणे तू ओ भागां वाली है जिन्हें मेरे पुत दे पहले दिदारे कीते आ, अज तो बाद तेरे घर की तकलीफ मेरी। इतिहास ये गल कहिंदा है, जिन्ना चिर तक मैता कल्याण दास रहे दौलतां दाई नूं अपनी जिंदगी च किसी प्रकार की फिक्र करन दी लोड़ नहीं पई। गुरु नानक साहब आए, बाबे बचपन दे कौतक वरताए, महाराज दी पढ़ाई दा प्रबंध मैता कल्याण दास कीता, गोपाल पांधे कोल हाजरी भराई, पंडित ब्रिजलाल दे कोल बिठाया, इतिहास मुताबक काजी कुतुबद्दीन दे कोल फारसी पढ़ने भेजिया। महाराज ने उत्थे फिर शब्द उचारिया जिहड़ा फारसी दा सी, राग तलंग च पढ़दे आ, यक अर्ज गुफ्तम पेस तो दर गोसकुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवतगार, दुनिया मुकामे फानी मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी। महाराज ने उत्थे कहा, इस दुनिया च कोई सका नहीं, इको एक अकाल पुरख है, उहदे प्यारियां दे चरणां दी धूड़ बन जा, तेरी जिंदगी विच तेनू मुक्ति मिल जाएगी। महाराज उत्थे फिर इतिहास लिखदा, काजी कुतुबद्दीन दी पाठशाला च बैठिया एक मिलाप हुंदा है, जिहड़ा मिलाप भाई मरदाना ते गुरु नानक साहिब दा है। भावां की उम्र दा फर्क है, जे आपां इस वी सन मुताबक वी हिसाब ला के देखिए, धन गुरु नानक साहिब तो 10 साल आरबला करके भाई मरदाना जी वड्डे, ते अकॉर्डिंग टू हिस्टरी जिन्नियां भी तिथां तरीकां सानू वख-वख सोर्सां तो प्राप्त हुंदियां ने, उहनां सारिआं च एक नुकता सानू प्राप्त हुंदा है वी गुरु नानक साहिब पातशाह ते भाई मरदाना जी दी जिहड़ी मुलाकात है वह लगभग 1480 दे करीब होई है। उदों गुरु नानक साहब की उम्र 11 साल ते भाई मरदाना साहब उन्हां दी उम्र 21 साल सी। भावां कि 10 साल का आरबला च फर्क है, पर सच्ची नीवी जात वर्ण व्यवस्था विच फसे हुए समाज ने यह हक नहीं सी दिता वी मैं तां कल्याण दास की दहलीज टप के
उहदे चौंके विच जा के भाई मरदाना रोटी खा सके, पाठशाला विच मित्रता पैदा हुई, सांझ बनी, बांह फड़ के अपने मित्र नूं लै गए। उहने बथेरा झटका मारिया वी बांह छड़, जिथे तू लिजाणा चाहुंदा सानू समाज ने हक कोई नहीं दिता। गुरु नानक साहब कहिंदे अज तो तू मेरा मित्र है, जिस चौंके च बह के मैं रोटी खावांगा उस च तू खाएगा। बराबरता पैदा कीती, भावें शड्यूल कास्ट का लखां जिक्र होवे पर मेरे गुरु नानक का घर कहिंदा नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों। क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। लख कोई जात अभिमानी होवे, मेरे बाबे ने एदां दा माहौल बना दिता है, एक पंगत विच बह के राजा ते रंक बराबर प्रशादा छकन, एक पंगत विच बह के अपने आप नूं उच्चा समझण वाला ते नीवा कहिया जाण वाला सब बराबर बैठन ते किसे नूं हक नहीं। हो सकता है मालक घर विच डाइनिंग टेबल ते अपने नौकर नूं बराबर बराबर ना बिठावे, पर ओ नौकर जदों गुरु नानक साहब दी पंगत विच बराबर आ बैठे, मालक कहे कि तू मेरे बराबर नहीं बह सकदा, ओ हिक ठोक के कह सकदा है कि उत्थे तेरी मलकीयत चलदी है, इत्थे बराबर बहण दा हक मेरे बाबे ने मैनू दिता है। ये बराबरता, ये एक सारता गुरु नानक साहब पैदा कीती। लगभग 54 साल 54 ईयर्स धन गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना साहब दा साथ रहा। भाई गुरदास साहब ने लिखिया, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच शब्द वरत्या गया, श्लोक मरदाना पहला, गुरदेव सतगुरु ने इज्जत बख्शी ते सच है सारी जिंदगी धन गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी का एदां दा साथ रहा। जदों भाई मरदाना आखरी उदासी वेले इस दुनिया तो रुखसत हो गए, बाबा भी उदन करतारपुर आके बह गया। सच्ची साथियां तो बिना सफर करना भी औखा होता है। उस तो बाद उदासी नहीं कीती गुरदेव सतगुरु ने, सच्चे पातशाह महाराज इस दुनिया च सफर करदे आ। जंजू पाउण दी गल होई ते मेरे बाबे कहा, पंडित जी दुनिया च लोकां दा हक मारिया जांदा है ते तरस नाम दी किसे च चीज कोई नहीं। जे जनेऊ पाउणा चाहुंदे हो ते दया दा जनेऊ दिओ, जे जंजू पाउणा ते संतोख दो, जे जंजू पाउणा चाहुंदे हो ते अपनी जिंदगी च किरदार दीआं गल्लां करो, जे जंजू पाउणा चाहुंदे हो ते सच दी विचार दा ख्याल पैदा करो। उत्थे फिर शब्द प्रगट होए, दया कपाह संतोख सूत, जत गंढी सत वट, ए जनेऊ जी का हई तां पांडे घत। ना इह टुटै ना मल लगै, ना इह जलै ना जाए, धन सुमान सनान का जो गल चलै पर। मेरे बाबे ने ऐसा शब्द दा संदेश दुनिया दे सामने रखिया। एक सवाल सी जिहड़ा सिद्ध गोष्ठ बाणी चो प्रगट होया, समा सीमत है, एक दो नुक्ते कह के समाप्ति करा। गुरदेव गए, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी अचल बटाले दी धरती ते नानक मता साहब, रीठा साहब आदिक अस्थाना ते सिद्धां नाल मुलाकात होई। सिद्धां ने बाबे नूं एक सवाल कीता जिहड़ा गुरदेव सतगुरु ने आप सिद्ध गोष्ठ विच दर्ज कीता है, ते उह सवाल है, किस कारण ग्रह तजेउ उदासी, किस कारण ए भेख निवासी, किस वखर के तुम वनजारे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। वी क्यों घर छड्या है, क्यों उदासी दी रीत चलाई है, किस खोज विच निकले हो। धन गुरु नानक साहब फिर जवाब दिंदे आ, गुरमुख खोजत भए उदासी। असी गुरमुख लभदे आ ते सच्ची भाल देखो किन्नी कमाल दी है। बाबे ने गुरमुख लभिया बाबा कबीर साहब वर्गा, जिहड़ा बनारस दे तट ते बह के दुनिया नूं कहिंदा है, ओ लोको इस संसार विच कोई उच्चा नहीं ते कोई नीवा नहीं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहे हो सरब ठाई।
बाबा धन गुरु नानक साहब ने गुरमुख लभ्या, बाबा फरीद साहब वर्गा जेड़े पाग पतन बह के बाबे तो लगभग पौने 200 साल पहला कह के गए, फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहे, मंदा किसनु आखिए जां तिस बिन कोई ना। भगत नामदेव वर्गे जिन्ना क्या मोए होए जो मुकत दे हो गया मुकत ना जाने कोयला, खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल बाबे क्या।